अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू चन्नी का जायका। दोस्तों हम बना रहे हैं आज हेल्दी वाला यूनिक सा नाश्ता। ये जल्दी ही बन जाएगा नाश्ता, आप इस नाश्ते को जरूर बनाना क्योंकि ये बहुत ही मजेदार बनने वाला है। सिर्फ एक कप मूंग दाल से हम बना रहे हैं इस नाश्ते को। चलिए बनाएंगे। यहाँ मैं चावल लेके हूँ और यहाँ चावल के साथ मूंग दाल लेके हूँ। एक हिस्सा चावल है और दो हिस्सा मूंग दाल है। आप ज्यादा होना तो ज्यादा कर सकते हैं। देखिए मूंग दाल को अच्छी तरह साफ करके रखे हैं, इसी तरह साफ करके रख लेना है। एक बोल लेके हूँ, उसी में चावल लेके डाल रही हूँ। ग्राम में ये 100 ग्राम चावल है। अब ये मूंग दाल को इसी में हम डालेंगे। ये 150 ग्राम मूंग दाल है। चावल और मूंग दाल को हम अच्छी तरह साफ करके धो लेना है। दो तीन पानी से अच्छी तरह हम धो लेना है। देखिए अब ये 2 कप मूंग दाल है, हम इसी को अच्छी तरह साफ करके धो के रखना है। देखिए ये कितना पानी गंदा दिख रहा है। अब अच्छी तरह पानी साफ करके हम साफ पानी डालेंगे और आधे घंटे के लिए भिगोने रखेंगे। आपके पास टाइम रहा तो एक घंटा भी रख सकते हैं। अब हम चेक करके देखेंगे, चावल और मूंग दाल अच्छी तरह भिगे के हैं। अब हम पानी को स्ट्रेन कर लेंगे, सिर्फ मूंग दाल और चावल ही हैं। अब हम मिक्सी का एक जार लेंगे, उसी में हम पेस्ट बनाएंगे यानी बैटर को पीस लेंगे। आधे बैटर डाल रही हूँ मैं और 2 हरी मिर्च लेके हूँ, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 टेबलस्पून पानी डाल के हम पीस रहे हैं। अब ये पीस के रेडी हुआ है बैटर, अब चेक करके देखेंगे। देखिए अभी अच्छी तरह बैटर पीस के रेडी हुआ है। अब एक बोल में काट लेंगे। अब बचे हुए मूंग दाल को भी इसी में ही पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेना और पीस लेना। इसी में आधा टीस्पून नमक डाल रहे हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। देखिए ये अच्छी तरह बैटर रेडी होके है। अब हम चेक करके देखेंगे, अभी ये बैटर थिक है। अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे, जो मिक्सी का जार है वही, उसके साथ ही हम पानी डाल के थोड़ा सा इसी तरह का बैटर रेडी करेंगे। अब ढक के 5 मिनट रखेंगे, तब तक हम एक चटनी बनाएंगे, हरिया धनिया और पुदीने वाली चटनी। एक मुट्ठी भर के हरिया धनिया है और थोड़ा सा पुदीना, एक हरी मिर्च। हरी मिर्च कम ही डालना है, तीखा ज्यादा होता है। और 8 से 9 कलियां लहसुन की और 1/4 इंच का टुकड़ा अदरक का। अब थोड़ी सी इमली, इमली के पास आपके पास नहीं रही तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं आधा, और हसबे जाई का नमक यानी आधा टीस्पून नमक डाल रहे हैं और थोड़ा सा पानी डाल के हम चटनी बनाएंगे। देखिए ये चटनी बन के रेडी हुई है। अब एक बोल में लेके हम काट के रखेंगे। देखिए ये कितनी अच्छी चटनी बन गई है। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। यहाँ हम सब्जी लेके हैं, गाजर, कैप्सिकम, बीन्स और टमाटर एक एक लेके हूँ। देखिए गाजर को मैं बारीक काट के रखी हुई हूँ और थोड़े से बीन्स, 8 से 9 बीन्स लेके हूँ, उसे भी बारीक काट के रखे हैं। देखो बीन्स को, और एक टमाटर के बीन्स हटा के रखे हैं और एक कैप्सिकम, उसे भी बारीक काट के रखे हैं। यहाँ मैं अदरक बारीक काट के रखी हुई है, आधा इंच का टुकड़ा, और 2 हरी मिर्च लेके हूँ। यहाँ गैस ऑन करके हम एक पैन लेंगे, उसी में 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम तड़का लगाएंगे। अदरक का बारीक कटी हुई अदरक को हम फ्राई कर लेंगे।
कच्ची स्मेल जाने तक हम फ्राई करते रहेंगे। अब हम हरी मिर्चों को डालेंगे। हरी मिर्च और अदरक अच्छी तरह फ्राई हुए हैं। अब हम सब्जियों को डालेंगे। सबसे पहले हम बीन्स को डाल रहे हैं। बीन्स थोड़ा हार्ड रहता है, इसीलिए हम बीन्स को सबसे पहले हम डालेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ फ्राई कर लेना है। अब हम गाजर को डालेंगे। अच्छी तरह इसी को भी हम फ्राई करते रहेंगे। अब हम कैप्सिकम को डालेंगे, इसी को भी अच्छी तरह फ्राई करते रहेंगे। ये सब्जियां क्रिस्पी बनने वाले हैं, क्रंची बनने वाले हैं। टमाटर को डालेंगे हम। टमाटर को भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। आपके पास जो भी सब्जी है वही डाल लेना। अच्छी तरह अब ये पके हुए हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा टीस्पून नमक डाल रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून ही डाल लेना, मिस होके है। ठीक है, ज्यादा पसंद रहा तो आप काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, या ना तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ मैं चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। दरदरा कुटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर है ये, आप इसकी जगह मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पनीर डाल रही हूँ 1/2 कप। ग्रेट किया हुआ पनीर है, इसी को हम अच्छी तरह फ्राई करके गैस ऑफ करके रखेंगे। अब यहाँ बैटर को देखेंगे। देखिए ये बैटर अच्छी तरह फूल के अच्छी तरह हुआ है। ऊपर से पानी खड़ा रहता है, अच्छी तरह हम हिला के रखना है। अब हम गैस की तरफ जाएंगे। गैस ऑन करने के बाद हम एक तवा रखेंगे। तवा गर्म होने के बाद पानी के छिलका लगाएंगे। छिलका लगाने के बाद हम एक कपड़ा लेंगे और साफ करेंगे। कभी भी हम पानी का छिलका लगा के इसी तरह कपड़ा लेके पोंछ लेना है। अब यहाँ हम 1 चमचा डाल रहे हैं, बड़े चमचे से, जो सालन का चमचा है वही से हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। आपको जितना बड़ा चीला बनाना है उतना बड़ा चीला बना सकते हैं, और छोटा भी बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम दूसरी तरफ पलटा के पका लेंगे। बहुत ही पतला नहीं डालना है, मोटा ही रखना है। गैस की फ्लेम लो करेंगे और हरी चटनी को हम चीले के ऊपर लगाएंगे। अब हम स्टफिंग करने के लिए हम जो सब्जी बनाए हुए हैं इसी को हम लगाएंगे, और चीज के स्लाइसों को लगाएंगे ऊपर से। ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है चीज। देखिए लो फ्लेम में हम पलट के दोनों तरफ पकाएंगे। आप चीज नहीं ही रहा तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए ये अच्छी तरह उलट पलट के हम दोनों तरफ मीडियम फ्लेम में पका लेना है। देखिए ये क्रंची क्रिस्पी चीला बन गया है तैयार। एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम दूसरा चीला भी इसी तरह डालेंगे। इस बैटर में 8 से 9 चीले पकेंगे। आपको जो पसंद बड़े वाले हैं जो बड़े बनाइए, या छोटे वाले हो तो छोटे बनाइए। देखिए किसी तरह हम फैला के चीले को डालना है। अब थोड़ा सा और घी डालेंगे। मीडियम फ्लेम में ही रखना है। अब दोनों तरफ पक रहा है। अब फ्लेम को लो फ्लेम कर लेंगे।
अब हम हरी चटनी को लगाएंगे और हम इधर टमाटो केचप को लगा रहे हैं। आपके पास रहा तो लगाइए, नहीं तो टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, शेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। अब हम स्टफिंग को भरेंगे। आपको स्टफिंग को ज्यादा होना तो ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखिए ये अच्छी तरह चीज को हम डालेंगे। ये हेल्दी वाला नाश्ता आप जरूर बनाना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखिए हम दोनों तरफ इसी तरह पकाएंगे। ये बच्चे हो या बड़े हो सबको पसंद आएगा नाश्ता, आप जरूर बनाना। ये जल्दी ही पक जाएगा। अब देखिए ये पक के रेडी हुआ है। और अभी भी मैं तीसरा चीला बना के दिखाऊंगी। हर एक चीला भी इसी तरह पकता है। देखिए अब हम दूसरी तरह हम फोल्ड करके दिखाएंगे। देखिए अच्छी तरह ये फोल्ड हुआ है। हमको जिस तरह का फोल्डिंग करना है उसी तरह बना लेना। देखिए ये अब ये नाश्ता बनके रेडी हुआ है। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी क्या? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब ये हम चीले को काट के भी दिखाएंगे। कितना अच्छा स्वादिष्ट बन गया है ये मूंग दाल चीला। आप जरूर बना के खाइए, आपके घर वालों को भी खिलाइए। देखिए ये कितना अच्छा बन गया है चीला, हेल्दी वाला नाश्ता। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी क्या? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और मेरे चैनल को नए रहे तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह हम नए नए वीडियो आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।